नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर पंजाब से है, जहां बटाला में करवाए गए एक समागम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री त्रिपद राजेंद्र सिंह बाजवा ने किसानों के द्वारा भाजपा के नेता के घर के अंदर गोबर फेंकना और कांग्रेस एमपी रवनीत बिट्टू के द्वारा दिए गए विवादित बयान को सरासर गलत कहा है। आपको बता दें कि दरअसल शुक्रवार सुबह 11 बजे लगभग 12 युवक काले झंडे लेकर भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद की कोठी के सामने पहुंचे और गेट खोलकर अंदर गोबर से भरी ट्रॉली को पलट दिया। युवाओं ने भाजपा नेता के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि किसानों के संघर्ष पर की गई टिप्पणी के विरोध में उन्होंने ये कदम उठाया है। युवकों ने बताया कि तीक्ष्ण सूद ने कहा था कि किसान दिल्ली की सीमा पर पिकनिक मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तीक्ष्ण सूद को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि किसान किस तरह दिन रात कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बाजवा ने कहा कि किसानों का ये तरीका गलत है, प्रदर्शन करना वाजिब है, लेकिन किसी के घर के अंदर गोबर या गंदगी फेंकना गलत है, मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता। वहीं कांग्रेस के एमपी रवनीत बिट्टू के विवादित बयान कि किसानों के लिए लाशें बिछा दी जाएंगी पर मंत्री बाजवा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस सोच के ये बयान बिट्टू ने दिया है, लेकिन उस बयान को मैं गलत ठहराता हूँ। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। भाजपा के नेतावां दे घरां दे अगे गोहे सुट्टे जा रहे हैं किसानों वालों, किस नजरिए नाल देखदे हो? ये गलत है, ये गलत गल है, ये तरीका जिहड़ा किसानों का गलत है। प्रोटेस्ट करना होर गल है, वाजिब है, पर किसी के घर गए गोहा सुटना गंद पाना मैं नहीं मानता। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस के एमपी ने उन्होंने वालों एक विवादित बयान दिता गया कि किसानों लई लाशां दे ढेर बिछा दिए जाएंगे। मैं नहीं पता कि सोच उन्होंने दिता, पर मैं उस बयान में गलत समझ